वनडे वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ दुनिया का नंबर वन सिक्सर किंग, पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ 21 साल का 360 डिग्री युवा बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम में शामिल हुआ है कौन सा दुनिया का नंबर वन सिक्सर किंग बल्लेबाज, बताएंगे आपको उस धाकड़ खिलाड़ी का नाम इस वीडियो में आगे। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल भारत की मेजबानी में वनडे विश्व कप खेला जाना है और वनडे विश्व कप के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुटी है। आपको बता दें कि वनडे विश्व कप का कार्यक्रम भी अब सामने आ चुका है, जहां 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि इसी बीच अब जो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में एक युवा सिक्सर किंग बल्लेबाज को शामिल कर लिया गया है। ये खतरनाक खिलाड़ी 360 डिग्री बल्लेबाज है, यानी कि ये खिलाड़ी मैदान के किसी भी दिशा में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है। दरअसल पाकिस्तान टीम में कई सारे हार्ड हिटर बल्लेबाज आ चुके हैं। कुछ साल पहले शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान का सिक्सर किंग कहा जाता था। अफरीदी के अलावा कई सारे बल्लेबाज ने पाकिस्तान टीम के लिए फिनिशर का रोल निभाया है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम को अब एक खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है। यह बल्लेबाज मैदान के चारों ओर लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखता है। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे इफ्तिकार अहमद है। इफ्तिकार अहमद ने पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में अपना खौफ पैदा किया है। इफ्तिकार अहमद जब बल्लेबाजी करने क्रीज पर आते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। इफ्तिकार बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े मंच पर अपने अलग ही फॉर्म में होते हैं। आपको बता दें कि इफ्तिकार अहमद वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इफ्तिकार अहमद वर्ल्ड कप और एशिया कप में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।